अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चैनल टॉप पॉप रिएक्शन। एक और वीडियो आपके पास लेके आए। वो वीडियो हमारी उसी BTS की सीरीज में है जो कि हमने सीरीज अभी लेके आनी है, और आप लोगों के साथ वादा भी किया कि आपके पास सीरीज लेके आएंगे BTS की। तो कुछ वीडियोस हमने शूट कर ली हैं और कुछ वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं, तो उसी में एक वीडियो ये वाली है। इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन BTS ही की है, लेकिन वो जामिर भाई आपको बताएंगे थोड़ा सा टाइटल क्या है या किस तरीके से वीडियो। टाइटल जो है वीडियो का वो तो है जी BTS जंगकुक, तो उनमें एक मेंबर का नाम है ना, टीम मेंबर हो गया, मतलब 7 मेंबर्स में से, और उसमें लिखा हुआ है एंड वी हैव चेंज्ड देयर रिलीजन। अब ये क्या चेंज किया है कोई टाइटल से मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो मेरे ख्याल से देखने के बाद ही पता लगेगा वीडियो में क्या है। अब इसमें तो इस तरह तो समझ नहीं आ रही टाइटल में क्या है, तो मेरे ख्याल से तो वीडियो को देख लिया जाए, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ चलना चाहिए, पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइबर रुक गए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि फैमिली को बढ़ाएं और ये आप बढ़ा सकते हैं, टॉप पॉप की फैमिली। टॉप पॉप फैमिली, चलो मेरे ख्याल से BTS की वीडियो को शुरू करना चाहिए, तो शुरू करते हैं। बाकी ये तो मिस्ट्री है किसी का, मतलब कोई कह रहा है मेरा भी रिलीजन नहीं है, पर वो दूसरे रिलीजन की जो चीजें हैं वो भी कॉपी भी कर रहे हैं। और उसमें ये भी तो है ना कि इन्होंने बताया जो साउथ कोरिया के 56.1% जो पॉपुलेशन है उनका कोई रिलीजन है ही नहीं। अब इनके रिलीजन की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं जंगकुक का मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट वो है ना यंगेस्ट इनमें है जंगकुक, और पता नहीं वी कौन, हाँ एक वी, तो उसमें उनका कह रहे हैं कोई रिलीजन नहीं है। इसी तरीके से RM जो इनका ग्रुप लीडर है, उस ग्रुप लीडर का कह रहे हैं कि कोई उसका रिलीजन, कौन सा रिलीजन बताया था उसका, एथियस्टिक एथिस्ट, हाँ एथिस्ट, उसमें कोई रिलीजन है उनका, और उसमें कहते हैं लेकिन उसमें अक्सर उकात वो जो क्रॉस है इनका वो पहनते हैं, वो क्रिश्चियंस का क्रॉस पहनते हैं, हाँ क्रिश्चियन वाला क्रॉस पहनते हैं, क्या पता वो उन्होंने फैशन, लेकिन कहते हैं कि जब हम वीक होते हैं तो हम प्रे भी करते हैं। अब लेकिन रिलीजन के बारे में उन्होंने एज सच कोई इस तरह का क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि हमारा ये वाला रिलीजन है किसी ने भी, तो उस लिहाज से मिस्ट्री है। इस वीडियो को देख के मिस्ट्री क्लियर नहीं हुई अभी तक, है मिस्ट्री वैसे,
हाँ होती तो ये जिस तरह का इन्होंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी बनाई हुई है जिसमें बता देती कि किस किस का कौन कौन सा रिलीजन है, किसी का भी रिलीजन नहीं पता, पर ये क्या पता मैं किसी न्यू वीडियो में ये या हो सकता है आप लोगों को बताओ, आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि इसका रिलीजन ये है, इसका रिलीजन ये है। तो मोस्टली तो इनमें से ये नज़र आ रहा है किसी का कोई रिलीजन नहीं है, ना आज तक किसी ने कोई बात की है, लेकिन इनके बिहेवियर से ये चीज़ लगती है शायद दो इनमें से जो है वो क्रॉस पहनते हैं कि शायद वो क्रिश्चियन है। आपको क्या शायद मे भी अगर आपको पता है तो काइंडली लाजमी कमेंट में बताइएगा। बकाया अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ख़त्म कीजिए। चलिए फिर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अल्लाह।